हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीति निगम। आज हम क्लास फोर्थ कंप्यूटर सब्जेक्ट से चैप्टर 3 एडिटिंग इन एमएस वर्ड 2010 इसके हम प्रैक्टिकल्स वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे एडिटिंग टेक्स्ट, सेलेक्टिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग टेक्स्ट, डिलीटिंग टेक्स्ट, मूविंग टेक्स्ट एंड कॉपी टेक्स्ट, अंडू एंड रीड्यू कमांड, फाइंडिंग टेक्स्ट, रिप्लेस टेक्स्ट एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम कुछ ऑप्शंस लिख लेते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास पैराग्राफ आ जाएंगे, ये पैराग्राफ हमने ले लिए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं। टेक्स्ट मीन्स बेटा लिखना, ये जो हमारा लिखा हुआ है उसे हम टेक्स्ट कहते हैं। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम जिस भी वर्ड या सेंटेंस को हमें सेलेक्ट करना है वहाँ पर हम कर्सर क्लिक करते हैं और फिर माउस से ड्रैग करते हुए उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ब्लू आपको दिख रहा है ये हमारा सेलेक्ट किया हुआ कहलाएगा। इसी प्रकार अगर हमें लाइन को सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम कर्सर यहाँ पर क्लिक करेंगे और माउस की सहायता से ड्रैग करते हुए पूरे सेंटेंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार हम माउस को ड्रैग करते हुए देखिए, वापस जितना हम सेलेक्ट करते जाएंगे उतना एरिया हमारा सेलेक्ट होता जाएगा। अब हम जानेंगे इंसर्टिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को इंसर्ट करना अर्थात लिखना, उसके लिए हम कोई भी चीज़ को लिखने के लिए इंटर हम करते हैं और जहाँ पर हमारा कर्सर है, जैसे ये देखिए ये कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर हम कीबोर्ड की मदद से कोई भी टेक्स्ट को हम टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखे क्लास फोर्थ कंप्यूटर, ये हम जहाँ पर भी लिखना चाहेंगे वहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा हाईलाइट हो रहा है, इसकी साइज हमें यहाँ से जाके साइज से बढ़ा सकते हैं। जितना बड़ा साइज हमें चाहिए उतना बड़ा हम इसको सेलेक्ट करके फिर साइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये साइज हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे डिलीटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को डिलीट करना, सपोज मान लीजिए हम इस ऑप्शन लिखा हुआ क्लास फोर्थ कंप्यूटर को डिलीट करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा माउस, इसको हम सेलेक्ट किए और कीबोर्ड में डिलीट की से डिलीट कर दिए। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें वो डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए हम अंडू ऑप्शन क्लिक करेंगे। अंडू ऑप्शन कंट्रोल प्लस जेड, कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस करेंगे तो पीछे का लिखा हुआ हमारा आ जाएगा। अब बच्चों ये जानेंगे टेक्स्ट को हम डिलीट दो तरीके से करते हैं। पहले तरीके से सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और दूसरा तरीका ये है कीबोर्ड में बैक स्पेस की से एक एक वर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए एक एक वर्ड हमारा बैक स्पेस की मदद से डिलीट हो रहा है और कंट्रोल प्लस जेड हम कीबोर्ड से करते हैं तो हमारा लिखा हुआ जो मिट गया था वह वापस आ जाता है। अब हम देखेंगे किसी भी टेक्स्ट को मूव करना। मान लीजिए इस टेक्स्ट को हम दूसरी जगह लिखना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाता है कंट्रोल प्लस सी। सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस सी करेंगे और जहां पर भी हमको इसको मूव करना है या देखना है पहले हम कर्सर क्लिक करेंगे फिर हम कंट्रोल प्लस वी कर देंगे। दूसरा तरीका है टेक्स्ट को मूव करने का, मान लीजिए हम वापस से इसको सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही उसको हम मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट किए और कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं जिससे हमारा टेक्स्ट डिलीट हो जाता है, कट हो जाता है।
और इसको हमको दूसरी जगह मूव करना है। मान लीजिए कर्सर हमने यहाँ रखा और फिर कंट्रोल प्लस बी, यहाँ पर इस ऑप्शंस को हमने मूव कर दिया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब जो अभी हमने देखा, किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट किए फिर कंट्रोल प्लस सी की। कंट्रोल प्लस सी जब हम करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है, इसीलिए हमेशा हमें कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी साथ साथ करना चाहिए। कंट्रोल प्लस सी करने के बाद हम कंट्रोल प्लस वी किए, जिसमें जो है हमें कंट्रोल प्लस वी करने पे जो भी हमारी टेक्स्ट रहती है वो दूसरी जगह कॉपी हो जाती है। अब आप इसे देख सकते हो, देखो कितनी जगह हमने क्लास फोर्थ कंप्यूटर लिख चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम चार बार लिख चुके हैं। अब हम जानेंगे अंडू एंड रीडू ऑप्शन। अंडू जो अभी हमने देखा था, मान लीजिए इसको वापस हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस एक्स कर देते हैं, क्या हो गया हमारा सारा ऑप्शन कट हो गया। अब वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड अंडू कमांड। कंट्रोल प्लस जेड अंडू कमांड हो गया, जिससे हमें पीछे जो लिखा हुआ कट गया था, चाहे वो आपसे मिस्टेक से ही कट हो सकता है और आपको लगता है वो हमें कट नहीं होना चाहिए, तो कंट्रोल प्लस जेड कर देते हैं। इसी प्रकार रीडू कमांड के लिए कंट्रोल प्लस वाई हम करेंगे, तो वो पीछे के प्रीवियस वर्क को ले आता है, जैसे हमने कट कर दिया था तो उस स्थिति में वो वापस पहुंच जाता है। वापस हम कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे फाइंडिंग टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है, जैसे बच्चों मान लीजिए यहाँ पर हम फाइंड होम ऑप्शन पर जाते हैं, सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं, होम ऑप्शन। होम ऑप्शन पर लास्ट में राइट कॉर्नर पर हमारा फाइंड ऑप्शन आता है। फाइंड ऑप्शन में हम टेक्स्ट में जो भी वर्ड लिखे हुए हैं उसको वह फाइंड कर सकता है। यहाँ पर हम क्लास लिखते हैं CLASS। देखिए क्लास जहाँ जहाँ पर भी वो लिखा हुआ है उसको वह हाईलाइट कर देता है कि कहाँ पर ये फाइंड। हम इस प्रकार किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्लास फोर्थ अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए क्लास फोर्थ भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा फाइंड कर लिया। इसको हमको रिप्लेस करना है क्लास फिफ्थ से, तो वापस हम यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर जाएंगे और रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब क्लास फोर्थ को हम क्लास फाइव करना चाहते हैं तो रिप्लेस के ऑप्शंस रिप्लेस विथ में क्लास फिफ्थ हम कर रहे हैं। इससे कर रहे हैं क्लास फोर्थ को क्लास फिफ्थ से हम रिप्लेस कर रहे हैं। इसके विंडो को हम कहीं भी ब्लू वाले ऑप्शन को इसको पकड़ कर हम कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी को एक साथ रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस ऑल कर देंगे, और अगर एक एक को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। अभी चूंकि हमें रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है तो देखिए सब पर हम रिप्लेस ऑल करते हैं, क्या हो गया रिप्लेस फिफ्थ हो गया, सभी पे हमारा क्लास क्या हो गया क्लास फिफ्थ। पहले क्या था, क्लास फोर्थ था और अब ये क्लास फिफ्थ हो गया। अब यहाँ से इस विंडो को हम बंद कर देते हैं और अब हम जानेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिख रही होगी ये लाइनिंग दिख रही है, इसको हम लार्ज कर देते हैं। देखिए यू के नीचे यहाँ ग्रीन लाइट दिख रही है, ये हमारा ग्रामर चेक करता है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, और स्पेलिंग चेक के लिए रेड लाइट होती है। देखिए यहाँ पे ये एम एस वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम लार्ज करके आपको बताते हैं इसके अंदर क्या है, ये रेड लाइन है। इन दोनों को चेक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन यूज होता है। इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले रिव्यू ऑप्शन पर, ठीक है, उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक लेफ्ट कॉर्नर पर, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सजेशन देता है, अगर आप इसे सजेशन
मानते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप क्या करेंगे, इग्नोर रूल भी कर सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग ये स्पेलिंग सही है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर रूल कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके ओके कर देंगे तो ये लाइनिंग आपको कहीं पर नहीं दिखेगी। इसी प्रकार मान लीजिए हम दूसरी स्पेलिंग लेकर चेक करते हैं कि ग्रामेटिकली या स्पेलिंग उसकी मिस्टेक है तो सिस्टम पाता है या नहीं। अब हम नीचे लेते हैं एफ एल ए डब्ल्यू ई आर, क्या हो रहा है, फ्लावर की स्पेलिंग हम जानबूझकर गलत लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, लाइनिंग हो रहा है। अब वापस इस पर हम चेक करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, फ्लावर की स्पेलिंग अलग अलग दे रहा है। अगर इसमें से आपको ये सही लग रहा है तो उस पर क्लिक करेंगे और चेंज कर देंगे। देखिए फ्लावर की स्पेलिंग यहाँ पर सही हो चुकी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और साथ ही प्लीज हमें यह भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू।